नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूँ अरुणेंद्र कुमार। आज का दिन न सिर्फ भारतीय सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत ही दुखद रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक मुठभेड़ हुई जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जो कि कंडी इलाका जो पड़ता है वहाँ पर एक मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे जो भारतीय सेना के एलीट पैरा कमांडोज जो थे, 5 कमांडोज जो हैं वो अब तक इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। आपको बता दूं, अब जो है जाकर के सारे कमांडोज की जो जानकारी है वो आ पाई है। अभी तक हमने आपको 4 पैराट्रूपर्स कमांडोज के बारे में जानकारी दी थी, एक जो थे उनकी जानकारी अभी नहीं दे पाए थे क्योंकि उनकी अभी कोई जानकारी आई नहीं थी। अभी अभी उनके बारे में जानकारी आई है, ऑल इंडिया रेडियो उत्तराखंड ने उनकी जानकारी जो है साझा की है। जो 5वें जो जवान थे, पैरा कमांडो थे, जो शहीद हुए हैं राजौरी मुठभेड़ में, आपको बता दूं वो जो जवान हैं वो चमोली जिले के रहने वाले हैं, गैंडसेट ब्लॉक और कुनीगाड मल्ली गांव है उनका, और उनका नाम है पैरा कमांडो रुचिन रावत। जी हाँ, रुचिन रावत जो हैं वो उन 5 शहीद कमांडोज में से एक हैं जो राजौरी मुठभेड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। आपको बता दूं कि ये सभी जवान जो थे, ये 5 जवान जो थे, बताया जा रहा है कि वो 9 पैरा SF के कमांडोज थे और उधमपुर में इस समय उनकी यूनिट जो थी, उधमपुर में यूनिट में तैनात थे वो। आपको बता दूं ये मुठभेड़ जो है लगभग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी, उसके बाद अभी भी जो पूरा इलाका है उसको घेर रखा गया है। और इसी बीच ये भी खबर आई थी कि इस आतंकी हमले की कहें या इस मुठभेड़ की जो जिम्मेदारी है वो PAFF ने ली है, यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है उसने इस मुठभेड़ की जिम्मेदारी ली है, इन जवानों के ऊपर हमले की जो है जिम्मेदारी ली है। ऐसा बताया जाता है कि इन्हें जवानों को, जो पैरा SF के जवान थे, उन्हें इनपुट मिला था, उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि जो राजौरी का कंडी इलाका है वहाँ पर, वहाँ के जंगलों में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। उसी जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन चलाया गया था त्रिनेत्र, जिसे ऑपरेशन त्रिनेत्र कहा गया, और उसी ऑपरेशन के तहत ये आतंकवादियों की तलाश में जो जवान हैं वो निकले थे। जैसे ही जवान उन आतंकवादियों की घेराबंदी करते हैं और उन आतंकवादियों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी जो हैं उन्होंने पहले से ही अपने आसपास IED प्लांट कर रखा था। जैसे ही जवान उनके उस दायरे में आते हैं और आतंकवादी IED ब्लास्ट कर देते हैं, और उसी ब्लास्ट की चपेट में हमारे 6 जवान आ जाते हैं। 6 में से पहले जो है 2 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद 3 जवान जो हैं बाद में उपचार के दौरान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और 1 जवान की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दूं रुचिन रावत जो हैं वो, उनकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई थी, अब उनकी जानकारी हमारे पास है। जिस तरीके से वो चमोली के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड एक वीरों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे जो हमारे जाबाज हैं उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। और इसी पंक्ति में अब एक और वीर सपूत भारत माता के जो लाल हैं, जिनका नाम रुचिन रावत है, उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए एक बार फिर से, उत्तराखंड के लाल ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इन जवानों को पूरे पूरे तरीके से सम्मान दिया जाए। हमारे जो ये जवान हैं इन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जवान जो हैं ये हमारे लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनकी शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। और मैं देश की सरकार से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के तमाम उन रक्षा जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इन आतंकवादियों को अब छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस जगह पर आकर के अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमारी सेनाएं पीछे नहीं हट सकती हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया। हमने अपने 5 जवान इससे पहले भी खोए थे और फिर से हमने अपने 5 जवान खोए हैं, हमने अपने 5 पैरा SF कमांडोज को खोया है। अब बर्दाश्त के बाहर है, अब सरकार को कोई ना कोई तगड़ा एक्शन इनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लेना चाहिए, कोई रहम नहीं बरता जाना चाहिए इन
इन कट्टरपंथियों के खिलाफ, इन 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 जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसे ऐसे खतरनाक इरादों के साथ भारत में दाखिल हुए हैं, इनको किसी भी तरीके की रहम, किसी भी तरीके की रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इनकी सज़ा वही होनी चाहिए जो बाकी आतंकवादियों को हमारी सेना सज़ा देती है, जहां पहुंचाती है इन्हें, इनकी जो भी इनकी मंजिल है इन्हें वहीं तक पहुंचाएगी हमारी सेना। यही मैं मांग करूंगा भारत सरकार से। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।